क्या मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम सब जने चल के ज्यादा उसमें ना पढ़ो, जो हमारे नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन नगर निगम से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए, तस्वीरें आप सोलन नगर निगम की देख सकते हैं। छुट्टी का दिन है नगर निगम में, आज छुट्टी के दिन भी कर्मचारी आप देख रहे हैं अपनी ड्यूटी पर तैनात है, क्योंकि अब सोलन शहर के विकास के लिए नगर निगम द्वारा कई परियोजनाएं शुरू की जा रही है और उसी को लेकर अब नगर निगम के कर्मचारी अपने काम पर डटे हुए हैं। नई नई परियोजनाओं के प्रोजेक्टों के ऊपर अब काम कर रहे हैं और इसी का ही परिणाम है। आप तस्वीरें इस वक्त सोलन नगर निगम की देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर अधिकांश जो कर्मचारी है, भले ही दो दिनों की छुट्टी हो, लेकिन आज अपने काम पर यहाँ पर डटे हुए हैं। तो तस्वीरें, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से नगर निगम जब से बना है तब से सवाल खड़े हो रहे थे कि नगर निगम में कोई नई विकास की योजनाएं अभी तक शुरू नहीं हुई है और यही वजह है कि जो लोग थे तो कुछ सवाल भी खड़े करते थे नगर निगम के विकास को लेकर। लेकिन आप तस्वीरें अब देख सकते हैं कि नगर निगम अब शहर के विकास के लिए नई योजनाओं को तैयार करने के लिए छुट्टी वाले दिन भी अब काम पर डटा है। जो काम लंबित पड़े हैं उन्हें भी यहाँ पर किया जा रहा है ताकि विकास को एक गति मिल सके और उस दिशा में अब नगर निगम आगे बढ़ रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, शहर के विकास के लिए काम हो रहा है तो छुट्टी वाले दिन भी अब कर्मचारी अपना योगदान दे रहे हैं, तो यह अच्छी खबर है शहर के लिए भी। और उम्मीद करते हैं कि जिस मकसद के साथ आज कर्मचारी, आज यदि देखें दो दिनों की छुट्टी है आज और कल, तो कल भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर आएंगे और यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, तो इस तरह के आदेश दिए गए हैं। क्योंकि नगर निगम आयुक्त एकता काप्टा ने जब से कार्यभार संभाला है तो विकास की गति तो सोलन के आगे बढ़ी है, लेकिन अब उस गति को और तेज गति मिलेगी ऐसी संभावनाएं जरूर इस वक्त बनी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नगर निगम की, और ये जो नगर निगम का तकनीकी विंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नगर निगम के जितने भी कनिष्ठ अभियंता है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और तस्वीरों के माध्यम से दूसरे और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि सहायक अभियंता और जे जितने भी यहाँ पर हैं और यहाँ पर इस वक्त छुट्टी वाले दिन काम पर तैनात है। और ये स्थिति अन्य जो जितनी भी यहाँ पर शाखाएं हैं हर जगह पर कर्मचारी आज तैनात है, काम कर रहा है, और यह देखकर सब वैसे हैरान भी थे कि छुट्टी वाले दिन नगर निगम के कर्मचारी, क्योंकि नगर निगम में को लेकर पिछले काफ़ी समय से सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीति के रूप में तो नगर निगम गर्म ही रहा है, क्योंकि अभी तक नगर निगम के मेयर को लेकर जिस तरह से विवाद यहां पर होते रहे और उसके कारण नगर निगम की चर्चा होती रही और उस चर्चा में कहीं ना कहीं विकास पीछे छूट गया, राजनीति के चक्कर में विकास कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। लेकिन अब विकास की गति को प्रदान करने का समय अब आ गया है और यही कारण है कि आज आप देख सकते हैं कि नगर निगम के हर ब्रांच में आज कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर आए हुए हैं और सभी को एक टास्क दिया गया है आयुक्त द्वारा कि वो अपने उस काम को पूरा करें और उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट बाद में ली जाएगी। तो ये स्थिति है नगर निगम इस वक्त। हम आपको साथ जो नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन नगर निगम से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आज छुट्टी का दिन है लेकिन नगर निगम के कर्मचारी आज ड्यूटी पर तैनात है और आज भी और कल भी वे यहां पर अपनी सेवाएं देंगे। हालांकि जो इस दौरान काम किया जाएगा वो पेंडिंग वर्क होंगे या फिर विकास की जो नई योजनाएँ, नए प्रोजेक्ट जो शहर के विकास के लिए लाने हैं उसके ऊपर अब काम हो रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में नगर निगम में नई पार्किंगों का भी निर्माण होना, जिनका मुख्यमंत्री शिलान्यास पिछले दिनों किया था, इसके अलावा और भी कई डीपीआर तैयार की जानी है, जैसे आपदा के दौरान
सोलन शहर के लिए 3 प्रोजेक्ट सेंक्शन हुए हैं, तो उसको लेकर भी यहाँ पर एक योजना DPR तैयार होनी है कि करीब 10-11 करोड़ रुपया उसमें भी आया हुआ है। इसके अलावा भी कई काफ़ी सारे काम हैं, क्योंकि नगर निगम बनने के बाद एक सोलन को एक उम्मीद जगी थी कि विकास की जो गति है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में हमने देखा कि राजनीति के कारण ही नगर निगम की अभी तक चर्चा रही है, और उस राजनीति के चक्कर में विकास काफ़ी पीछे शहर का छूट गया था। लेकिन अब सब कुछ स्मूथ हो चुका है, मेयर भी अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि बीच में तो मेयर को लेकर भी जब जून के महीने में 10 जून को सरकार द्वारा मेयर और पूर्व मेयर की सदस्यता को रद्द कर दिया था, तो उसके बाद राजनीति काफ़ी गर्मा भी गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से यह मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेयर की जब 20 अगस्त को बहाली हुई, तो उसके बाद सोलन नगर निगम की जो राजनीतिक उठा पटक चली हुई थी और उसे एक विराम लगा है, और जब राजनीति को विराम लगा है तो अब विकास ही एक मकसद नगर निगम का है, और उस दिशा में अब धीरे धीरे नगर निगम आज आगे बढ़ रहा है, और आज से इसकी शुरुआत हुई है, तो इसका स्वागत भी किया जाना चाहिए। और आज 2 दिनों की छुट्टी है, दो दिनों की छुट्टी के दौरान जो नगर निगम के कर्मचारी है वो इस दौरान ऑफिस में रहेंगे, और अपना जो पेंडिंग वर्क है और या फिर जो विकास के काम या विकास की जो कार्य योजना भविष्य के लिए तैयार करनी है उस पर काम करेंगे। तो पंजाब इसी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहे पंजाब इसी टीवी।